गणपति बाप्पा मोरिया। आज हम टिटवाला स्टेशन से टिटवाला गणपति बाप्पा का दर्शन करने कैसे जा सकते हैं। ये स्टेशन से सिर्फ यहाँ पर 15 रुपया सैरे रिक्शा मिलती है और आप यहाँ पर बाप्पा के दर्शन कर सकते हो, और साथ ही में बहुत सारे यहाँ पर प्रसाद, फिर गृह उद्योग सामग्री भी मिलती है, साथ में धार्मिक वस्तु भंडार भी है जो आप सारे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। साथ में यहाँ पर मौर्या स्वामी का कैटरिंग भी है। तो देखते हैं हम यहाँ का पूरा ब्लॉग। तो देखिए, पहले आ गया यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मोदक, पेड़ा, जैसे कि हम बापा को प्रसाद के लिए लेकर जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। मुंबई से सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप टिटवाला से बापा के मंदिर तक पहुंच सकते हो। महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव। आमची मुंबई शेवपुरी तो मेरी फेवरेट है। ये छोटी वाली किसमी किस किस ने ये बचपन में खाया है? आपने खाया है? और अब हम आ गए ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे जैसे पूजा पाठ का सामान देखने मिलेगा, और यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा जो म्यूज़िक सुनाई दे रहा है ना, उसे मैंने म्यूट नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो कि कितने सारे बाबा की मूर्तियाँ, फोटोज एक से बढ़कर एक है, और आंखों को ठंडक दे और दिल को सुकून दे ऐसी। और मौका मिलते ही हमने ना यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे भी बातचीत कर ली, और देखिए ना कितनी छोटी छोटी जो गिफ्टें चाहिए या हमारे अपने लिए भी कुछ लेना हो ना तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है मुझे तो। संतोष विषय ओके। और इधर टिटवाला के गणपति के पापा के बारे में कुछ बताइए हमें। ये गणपति ये पेशवे कालीन है। क्या पेशवे कालीन? पेशवा, पेशवा। हाँ, इधर तालाब में ये मूर्ति पेशवा को मिल गया। हाँ, और उन्होंने मंदिर स्थापन किया। अच्छा, तो इसको विवाह विनायक कहते हैं, जिसका शादी नहीं होता है। हाँ, हाँ। उन्होंने समझो कोई मन्नत मांगा तो इसका शादी फटाफट हो जाता है। अच्छा, मतलब इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति करने का ये गणपति का खास ये। हाँ, हाँ, हाँ। और ये इधर से समझो तुम आएंगे आगे तो हमारा ये धार्मिक नॉवल्टी प्रदर्शन रहेगा। हाँ। तो इधर हम सब जो भगवान के लिए आते उनको सेवा देते। अच्छा। जो भी जो भगवान के धार्मिक नॉवल्टी वो सब इधर मिलती है। अच्छा। मूर्ति मिलता है, कोई भी समझो जो चीज़ है भगवान का वो सब इधर मिल जाते हैं। अच्छा। और आपका दुकान को कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। अच्छा। और नाम है हमारा दुकान का महाराष्ट्र में। तो क्या नाम आपकी दुकान का? मौर्या धार्मिक वस्तु भंडार टिटवाला, गणपति मंदिर के बाजू में। बाजू में। तो आप भी अगर टिटवाला गणपति बाबा के दर्शन के लिए आती है, इसके मेन मालिक जो मंदिर के ट्रस्टी और पुजारी संतोष गोविंद जोशी, उनका ये शॉप है, हम सब संभालते हैं। अच्छा। तो टिटवाला जो भी दर्शन करने आएंगे वो यहाँ पर आते हैं। हाँ, इधर आके सबको शांति मिलती है क्योंकि बहुत सारा सब हमने देख लिया, सब पूजा पाठ का सामान है। हाँ, जिसको चाहिए वो लेता है, कोई आग के दर्शन लेता है, ऐसा राइट, सब आनंद लेते हैं इधर। राइट। बहुत अच्छा लगा आपका ये। और यहाँ की खासियत क्या है, मतलब ज्यादा कब यहाँ पर रश होता है? संडे और सैटरडे और मंगलवार, वैसा रश डेली चालू ही रहता है। क्यों? जो लोगों को कुछ समझो किसको बाल बच्चा नहीं होता है, शादी नहीं, वो सब लोग इधर आके सबका इच्छा सब होता है। तो लोग इधर तालाब के पीछे गार्डन है घूमने के लिए आते हैं, मुंबई से नज़दीक है, एक घंटे में मुंबई जाते हैं। तो लोग इधर से सुबह से आते हैं तो दोपहर तक घर पे जाते हैं।
अब इधर से बहुत बाहर के लोग आते हैं। आप कहाँ रहते हो? मैं इधर रहता हूँ, टिटवाला में। जब टिटवाला में ही रहते हो। अच्छा लगा आपसे बात करके और अच्छी जानकारी दी अपने पापा के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। आप मामा कहाँ से आए? बुरहानपुर। हाँ, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए आप लोग? ओ बाबा बाबा, मध्य प्रदेश दर्शन करने के लिए। आप साथ में ही है? साथ में, हमारे उनका क्या देखते हो मतलब ना? जो कस्टमर आते हैं उनको अच्छी अच्छी नई नई चीजें दिखाना। अच्छा, जो अपने दुकान की तरह अट्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अलग अलग और मतलब रीजनेबल इसमें भी रहता है? हाँ, रीजनेबल भी रहता है, कम करके भी देते हैं। जिसको अच्छे दाम में लेने की इच्छा है उसको कम करके भी देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इच्छा है और कम करना है तो बार्गेनिंग भी करके देते हो? जैसा गिरेगा देखते ही वैसा देते भी। आपका नाम? 8 साल हो गए। अच्छा अच्छा, और पापा का पूरा सामान का मतलब आप देख रेख करते हो? थैंक यू। अब आती है बारी मौर्या स्वामी कैटरिंग की और देखने की। यहाँ पर आपको जैसे घर का खाना खाते हो ना, ऐसा ही खाना मिलेगा और बहुत ही स्वादिष्ट और बड़े दिल से ये खिलाते हैं। और शुद्धता का तो खास जैसे ख्याल रखा हो, देखिए ना कितना सुंदर सजावट है। आपका नाम क्या है? दौलत विशे। हाँ, दौलत विशे। अच्छा, आप इधर मतलब कैटरिंग की सेवा देते हो? अच्छा, कोतमीर वाली तो इसको अभी आप डीप फ्राई करोगे कि सेल्फ फ्राई मतलब तलोगे कि सेकोगे? डीप फ्राई करेगा। बेसन और बहुत सारा हरा धनिया इसमें, मतलब महाराष्ट्र की जान। हाँ, तो ये भी हम आपका देखेंगे अभी क्या क्या मिलने वाला है। आपका नाम? दौलत विशे। अच्छा हाँ, और आप कैटरिंग का देखते हो ना? हाँ, कैटरिंग का देखते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, अभी से जालीदार लग रहा है। नहीं, अभी अभी नहीं खाना है आपको, बाद में सब साथ में एक एक चीज यहाँ पर टेस्ट करेंगे हम। और यहाँ पर ये छोटा सा किचन ताई संभाल रहे। अभी क्या बनाने जा रहे हो आप? वड़ा बनाने, गरम गरम बनाने। और ताजा ताजा ही बनता है यहाँ पे? बना के नहीं रखते हो? जैसा कस्टमर आएगा वैसा बनता है। अच्छा 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 अच्छा, आपका नाम क्या भाई? रवि दलवी। रवि दलवी, आप भी महाराष्ट्र से ही हो? हाँ, महाराष्ट्र से, मुरबाड से। अरे वाह, बढ़िया भाई। यहाँ पे पहले से बना हुआ नहीं रहता है ना खाना? नहीं, बना के नहीं रहते कस्टमर। अच्छा, मतलब जैसा जो आया ऑर्डर देंगे तब बनाते हो? ओके, अच्छा लगा सारा क्लीननेस, साफ सफाई। ताई यहाँ पर चपाती भी बना रहे। ताई आपका नाम क्या है? भाविका। भाविका जी, और यहाँ पर ये वड़ा पाव बनाने जा रहे हैं। इसमें कोथमीर वड़ी भी मेरे को टेस्ट कराना ना आपका? तेल भी फ्रेश है। अच्छा, मतलब ताजा ताजा ही आप रखते हो? और मतलब एक बार में खत्म हो उतना ही रखते हैं आप? पहले से कुछ भी बना हुआ नहीं है, शुद्धता का खास ख्याल और कोई पेड प्रमोशन नहीं है, पर मुझे यहाँ का क्लीननेस अच्छा लगा, इसके लिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बापा का दर्शन करना आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।